तो यहाँ पे मुझे ना मिर्ची फ्राई की रेसिपी थोड़ी सी यूनिक लगी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ वर्बली ही शेयर कर देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे मिर्ची फ्राई करने के लिए यहाँ मिर्ची ले ली है, हरी मिर्च। और हेलो राधे राधे, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहिए। और आज है संडे और ये संडे का ब्लॉग है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और संडे के दिन क्या क्या हुआ, क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें मैं आपके लोग के साथ शेयर करूँगी। लंच में क्या बनाया वो भी शेयर करूँगी। और गाइस, जैसे गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं ना, प्रॉब्लम्स बहुत सारी बढ़ जाती हैं, घर की हो या शरीर की हो, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। तो मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम एक ये हुई है कि अभी एसी की सर्विसिंग करानी थी, वो आज हुआ है, क्योंकि बहुत सारा काम हमारा संडे को ही होता है, जो पेंडिंग वर्क होते हैं वो संडे को ही होता है। तो एसी की सर्विसिंग हुई है और फिलहाल मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और मैंने डस्टिंग वगैरह कर लिया था, जो मैंने नहीं शेयर किया है। डस्टिंग वस्टिंग का कुछ नहीं शेयर किया मैंने, बस नहा धो के आई हूँ। बस पूजा अभी किया नहीं है, मैंने कहा चलो यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो अभी पूजा करने जा रही हूँ और ब्रेकफास्ट में मैंने सैंडविच बनाया था, तो सबने सैंडविच वगैरह खा लिया है, ये मैंने शेयर नहीं किया है। और लंच में मैं बना रही हूँ क्या क्या, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं कई दिन से कुछ सोच रही थी कहने के लिए कि अब हर कोई डिमोटिवेट हो रहा है। मैंने जितने लोगों को, मेरे फ्रेंड्स हैं, सब डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो सच में ये सच में बहुत ही ख़तरनाक है यार। मुझे भी यही लगता है कि ये कोरोना से भी डेंजर जो है ना, वायरस है, वाइटी का जो कहते हैं ना कीड़ा लगना, वो सच में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। क्योंकि क्या हो रहा है ना आजकल, मैं खुद की बात बताऊं तो, कि 24 घंटे ना 24/7 दिमाग में बस वाइटी 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 ही चल रहा है। और जिसके वजह से सच में मेरा तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं कुछ वीडियो वगैरह करूं। हालांकि मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूं कि ये मेरी लास्ट व्लॉग है, मैं वीडियोज़ नहीं डालूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ। एक होता है ना डीमोटिवेशन, तो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है अगर आप सक्सेस नहीं हो रहे हो तो। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये हमारी चॉइस थी वाईटी पे आना। और ये आपकी चॉइस है कि अगर मैं जाऊंगी भी तो आपको कोई शायद फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये कहने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे मेरे व्लॉग आए चाहे ना आए, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरे को एक होता था कि मैं शेयर करूं आप लोगों से। कई दो चार दिनों से मैं यही देख रही हूं, कई सारे लोग हैं जो कह रहे हैं मैं वाईटी छोड़ के जा रही हूँ या जा रहा हूँ। बट ये आपकी चॉइस थी, आप वाईटी पे आए, मैं ये मेरी चॉइस है, मैं वाईटी पे आई। लेकिन सच में अब मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये कोरोना से भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है इसका वायरस, जो वाईटी का कीड़ा लगना कहते हैं ना जिसको, वो सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुका है। और इसको आप लोग, मैं बस यही कहूँगी कि ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको लगे कि आपको वीडियो अपलोड करना है, आप अपलोड कीजिए, नहीं टाइम है कोई बात नहीं है, पेन ज़्यादा नहीं लेना है, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है। और क्योंकि मैं खुद इन सब चीज़ों से मतलब गुजर रही हूँ, और अपने आप को मैं बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हावी किसी चीज़ को अपने माइंड पे कर लेना ना, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। तो बस जस्ट चिल यार, जो भी आप शेयर करते हो शेयर करते रहिए। और सक्सेस होना ना होना बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप मेहनत करते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो होगा, कभी ना कभी तो होगा। तो बस यही था, और आज का संडे इन्जॉय कीजिए फुल ऑन। और आज मैं आप लोग, तो यहाँ पे मुझे ना मिर्ची फ्राई की रेसिपी थोड़ी सी यूनिक लगी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ वर्बली ही शेयर कर देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे मिर्ची फ्राई करने के लिए यहाँ मिर्ची ले ली है, हरी मिर्च। और कैसी मिर्च है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, तीखी है, ज़्यादा तीखी है तो आप लोग थोड़ा बी केयरफुल रहिएगा, ये मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं है। तो इसको मैंने बीच से कट कर लिया है वॉश करने के बाद। थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, ऑयल कोई भी डाल सकते हैं, जो भी कुकिंग ऑयल आप डालते हैं वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, और बीच में से चीरा लगा के ही कट करना है मिर्ची को। और साथ ही साथ इसमें बस नमक और लेमन जूस जाएगा, और ये चाहे तो आप स्टोर करके रख सकते हैं 8 दिन, और जब भी आपका मन करे कुछ चटपटा खाने का तो इसको खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है और मुझे बहुत पसंद है। तो आज मैंने बनाया है ना, तो ये कम से कम 4-5 दिन, 5-7 8 दिन तक तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि मिर्ची बहुत ज़्यादा है।
है, और एक एक ही लेती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा भी तीखा नहीं खाती हूँ मैं, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो वह भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि इसमें सिर्फ सरसों का तेल, जो भी तो तेल आप ले सकते हैं, और लेमन जूस एंड नमक जाता है बस। चलिए मैं फ्राई कर लूँ फटाफट, लंच बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या बनाया है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं दिखा पाऊँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ मैं बना रही हूँ। आपको भी पता है वीडियो तो हो जाएगी लंबी, और लंबी हो जाएगी तो देखेगा कोई है ही नहीं, तो क्या फ़ायदा इतना मेहनत करने का, है ना। तो हम एक बार बना लेते हैं, उसके बाद ही आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं खाना बनाने के बाद। तो गाइज़ यहाँ हो रही है एसी की सर्विसिंग, और गर्मी आते पता ही है आपको, कभी एसी की सर्विसिंग होती है तो कभी किसी चीज़ की। सर्दियों में गीजर को ठीक करो, ये ठीक करो, वो ठीक करो, तो यहाँ पे बस चल ही रहा था, काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग चल रहा था काम, तो संडे को हमने ये काम भी निपटा लिया। तो एसी की हो गई है सर्विसिंग, और अब यहाँ पे देखिए जब एसी चला तो काफ़ी एक्टिव हो गई थी चंचल। अभी इसको मैंने नहलाया है, नहलाने के बाद इसको काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना पता है गर्मी में इसको बिल्कुल गर्मी बर्दाश्त नहीं थी, तीन तीन चार चार टाइम मुझे इसे पहले भी जरूरी आती है। तो ये तो अभी दोपहर का टाइम है, तो यहाँ पे अभी खेल रही है, और मैं भी यहीं पे बैठी हुई थी, थोड़ा रिलैक्स कर रही थी, लंच बना के आई थी, तो मैंने भी सोचा थोड़ा बैठ जाती हूँ एसी में ही। तो हम लोग बैठे हुए हैं, सब लोग, हस्बैंड भी बैठे हुए हैं, तो अभी अथर्व और छनछन दोनों खेल रहे हैं, और ये अभी खेलने के ही मूड में है, ऐसे ही करते रहती है, दोनों खेलते ही रहते हैं साथ में। और बस अब लंच की थाली में लगाने वाली हूँ, और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि लंच में मैंने क्या क्या बनाया है। तो संडे के दिन थोड़ा सा मेरा हो ही जाता है, वैसे भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ, एक चीज़ ही नहीं होती है मेरी थाली में, दो तीन चीज़ें मैं ऐड ऑन ज़रूर कर देती हूँ। तो आज हस्बैंड की पसंद की मैंने भरवा करेले बनाए हैं, उनको बहुत पसंद है, और यहाँ पे मैंने बनाया है खीरा, और खीरा प्याज और टमाटर का रायता, आलू का भरता, और बनाया है मैंने भरवा करेला, और हरी मिर्च मैंने फ्राई की थी वो, साथ ही दाल भी बनाई है मैंने, दाल अरहर की है। तो दाल को बिल्कुल मैंने सिंपल रखा है, सिर्फ जीरे से तड़का लगाया है, और रोटी है और चावल है। तो आज की हमारी ये स्पेशल थाली है, बाकी अब देखते हैं नाइट में क्या करते हैं। और कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर, अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।